आज अपने देखी पे ये जी पे आमार राइट आमार लेफ्ट या जी आसे आमार कारण हा ना अपनी भाव निजर एने स्ट्रंग एक नेशनल रूलिंग पार्टी तो एरी कि आज ये अपना ऊरते बहि क्यर कारण अपनी बुझे लगे अपनी जे इनका ना भावी आमार एन सी पी टीम अलग भले आसे निकी यू कारण आकी ना भावी आज आमार लेफ्ट राइट इतना जीजने आसे कारो कारण नार निजर कारण न तार निजर भाल भाल पोस्ट तो भाल भाल पजिशन तो एरी कि आज ये अपनी भावी लोक अपनी जान ये दादा बिल्कुल इमान सीनियर मानू आमार इंटेलेक्चुअल जी आज अपना ऊर आई लक्षण दुखर कारण सुखर कारण लक्षण नष्ट हमें गई आ तार कारण चिंता करी करी किने आमी रोलिंगे हक रोलिंगे हक जिये हक आमी जितिया रोलिंग थके आमी भालर कारण हब लगे आमार लोकल राजर कारण भाल हब लगे बाबे किन्तु आमार लेफ्ट राइट आदि जी जने याद आसे इबिलाक देखि पाले आमार लोकल बीजेपी जी पार्टी लोकल समाजर कारण बाबा नाय अहा दिनते लेकिन भाल कारण बाबा ना ये देखी पाले लेकिन अहा दिनते बीजेपी लोगों तकिले लेकिन नष्ट हो जा भाग हो जा आमार मा ददाय फेमिली भाग बाती हो जा तो कारण ये मन अंतर आज इतना लेकिन तो जे हक जे नह आम लेकिन बचाबले कि लगे ये तो आम बीजेपी एरी किने आज एन सी पी ये आगे एन सी पी सेंटिमेंट लगे जाऊँ बोले आज एक बुझे तार कम भाग भाग बुझे ना आम एक टीम हो जब आम कार जिकाब लगे आम सब यूनिटी तो सब सहय लगे आम कहूँ बेलेग लीडर तो बेलेग टीम बोलो इतना बहुत विभ्रांता विचार नागे आम सबके कबाक जो जयजुक्त लगे आम एक ऊल्ई ना जाओ के जीत हासिल नाब और सीटर आज बहुत भल लगे आम सब उपस्थित आम सब टीम लगते एकता पे आज आगे जाऊँ बी ऊल से एक दिन को लाभ मैं हमारे खुद गति के समय को लक्ष्य राखी मैं खूब मन के कह विचार मैं प्रयोग खाते आप सको मूल जाने मैं तो आज जॉन कर आज क्या एरी कथा ना मैं तो जो पांच बस आगरपे एरी दिया बीजेपी पार्टी को बीजेपी पार्टी नेतृत्व सरकार मैं कटे एरी आगे तो आम बहुत कष्ट आसान पचिश बस आम एक टूर्णामेन्ट डावर आम जिका पे आर सी टीम दिन आशा दी तो गति के निदिले पांच बस हारिम गम पाए आम जमु नेता देवी मेडामक चंदाले चंदायोते गए निजर निजर एकांशन बचाने कईजान आम एन जी ओक लगे आम सी एम सर कथा पटवार कारण आम पी आर सी विषय कथा पटवार कारण लेकिन समस्या कारण कथा पटवार कारण तहतक टिकेट तो आज कटि दिले जो पार्टी जो पहले जो काम करते आए हैं उस हिसाब से देखने से हम लोग बहुत जोरदार से काम को जो भी हुआ है किंतु इस बीच में हम लोग को बहुत बड़ा नेकाम का वासी लोग को दुख मिला है। सच में हम लोग आज किसी को खराब ना कर रहे हैं किसी को एंग्री करके नहीं पर हम लोग दिन में बहुत दुख के साथ में हम लोग निकल के आए हैं।
क्योंकि जितना हम लोग को मालूम हुआ, जितना हम लोग को खबर मिला कि जो टिकट हम लोग का जो एटी डिग्री पर देने वाले थे उसमें हम लोग का लेकिन का बीजेपी पार्टी का भी बयान था नरेंद्र मोदी हिसाब से हमें बहुत भाल पा पेमा खंड को हमें भाल पा बीजेपी पार्टी एक कम दस दस बस कलते जिमान दूर आम भारत देश आगे लो गई से अन्यकाम तुलना करूँ अन्य पार्टी क्या ना डेवलपमेंट क्षेत्र हूँ इंटरनेशनल रिलेशन क्षेत्र हूँ अन्य सको क्षेत्र डिफेन्स क्षेत्र हूँ जो चाहे जाऊँ सचाक बीजेपी पार्टी तो एट लेख लगभग पार्टी और आम भारत देश बहुत दूर आगे लो गई गति के देहे केहे आम बीजेपी पार्टी सपोर्ट कर কিন্তু আমি আজি বিজেপি এরি এন সি পি কিয় কারণে জয়ন্ত বলি হব অলমান মানে বেবি পড়ে আরে ফ্লাইরে মই স্ক্রিনে ফোন গে তেলি মুখ ফিরে খালি পাঁচ লাখ ভয় দিয়ে বড় আমার না হয় কিন্তু লেখার জন্য প্রবলেম আছে তা ভিডিও দেখে না করে মই 94 দিকে বলে যাও 95 বার সরানের ফাজি গেছে বিজেপি আমার জিতা অ্যাসেম্বলি বোর্ড बहुत कुछ मैंने कहते हे हो है अमर इधर वो बेचते तेरी का है सोने में खाते अमर लेकिन बाकी लोग अमर मिशन दे रहे बेचारे अहम मोहन मतलब आदिवासी लेकिन कितना बढ़ा रहा है क्या चीज बोला गए हम चीज बोला गए बीजेपी मैंने डीसीएम सर लोगों ने ऐसे लोग अगर कांग्रेस ऐसे ले आज तीन टाइम बीजेपी तो ऐसे किंतु आज बहुत दुख पार्टी पर ऊल्ह आम मेडम कारण टिकेट विचार गलो टिकेट विचार विचार लास्ट दिन दिन गई कि लास्ट मुहूर्त टिकेट निदिले तथापि तो आम मेडम कारण बहुत खि लगे कि नोक आज आम आज जो अरुणाचल टुडे लैसे मैं कब विचार इतक जोकटा कलपुर क्या न्यूज रिलीज कर एटलिस्ट नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो आम स्टूडेंट यूनियन थका हम तक जो ब्रिफिंग दी तक आम संगठन लेखक संगठन थका हमें आम मानव आसो जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट आमार लेखांकन आम एरिया क्या शब्द तो कि दुखर कथा लगभग पिछले डेढ़ साल के आसपास से दो साल से आप लेखांकन में दिख रहे हैं तो आगे आज पे कि कुछ अलग जो पार्टीज हैं बताया गया कि कांग्रेस से और जो बीजेपी से भी ज्वाइनिंग हुए हैं तो अभी क्या लग रहा है और जीत को कैसे देखते हैं आने वाला चुनाव क्या पहले से और आसान हो रहा है क्या कहेंगे थैंक यू अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय दृष्टि आज के दिन आज का दिन जो है बहुत शुभ दिन है लखनऊ के लिए मेरे लिए नहीं है जो इतना बड़ी भारी संख्या में आज जो बीजेपी से एनसीपी में ज्वाइन किया है वो एक अच्छा साइन है साइन मतलब लखनऊ का जो दुख तकलीफ को समझ गया है उनके वो सब सोच के आज ने आज इन लोग का दुख तकलीफ को कौन रिजॉल्व कर सकता है कौन सॉल्व किया जा सकता है इन लोग ने सही समय पर पहचाना और दुख के साथ इतना भारी संख्या में आज एनसीपी टीम में ज्वाइन हुआ तो मुझे लगता है तो आने वाला दिन में अच्छा ही होगा और यही सिर्फ नहीं है और कल परसों से ज्वाइनिंग हो रहा है और कल परसों भी और पेज वाइज ज्वाइन करते रहेगा आपने भी ज्वाइन किया है आज एनसीपी पार्टी को तो आप पहले किस पार्टी में थे और इस पार्टी को ज्वाइन करने का क्या कारण है एक्चुअली मैं पहले ऐसे तो डायरेक्ट किसी पार्टी में वो नहीं था क्योंकि मैं एक एनजीओ लीडर था तो फिर भी अंदर से मतलब हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करता था तो अभी क्या हो गया बीजेपी सरकार जो हम लोग का सेंट्रल है या हम लोग का जो पेमा खांडू या उनका सीएम जो पेमा खांडू है उनका दुख से हम लोग बीजेपी को नहीं छोड़ा है कंटिन्यू बोलते हैं
बीजेपी छोड़ हम लोग का जो भैया आज 300-400 समथिंग जो आदमी जितना भी हम लोग बीजेपी से ज्वाइन हुआ है, हम लोग एक सेंटिमेंट को लेकर ज्वाइन हुआ है, क्योंकि हम लोग का एक यहाँ प्रेजेंट MLA था। क्योंकि अभी बोलने अगर जाएगा तो हम लोग का पास में PRC राइट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं है, आपका डोमिशियल में भी खेली मिली है, तो ये सब को सेंटिमेंट को लेके हम लोग अपना एक मतलब MLA जो दिया था हम लोग उसको खुश था, मतलब ना जो हम लोग का प्रेजेंट जो हम लोग का परमानेंट MLA उसका ऊपर हम लोग खुश था कि चलो अरुणाचल सरकार ने हम लोग को एक अपना स्थाई मतलब लोकल MLA को दिया था, लेकिन वो भी हम लोग से छीन गया। तो हम लोग किस भरोसा में हम लोग रहेगा, जब हम लोग देखा कि आज लेकांग को बचाने के लिए, लेकांग का उन्नति के लिए, लेकांग का भविष्य के लिए, लेकांग जो डूबने वाला है उनको एक तिनका का सहारा दे के लेकांग को उन्नति में आगे लाने के लिए, लेकांग को बचाने के लिए आज हम लोग का MLA कॉन्टेस्ट करने के लिए हम लोग का पोर्ट्रेट लेकांग में आया है। हम लोग का माननीय हम लोग का लिका सोनी सर, उनका जो मैनिफेस्टो, उनका जो विचार, उनका जो सोच को हम लोग प्रभावित हुआ है, और वही सोच को लेके और हम लोग का भी वही सेंटिमेंट है कि लेकांग को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए, वो सोच के आज हम लोग BJP से छोड़ के, क्योंकि BJP में अभी बोलने जाएगा तो जो भी है हम लोग का भविष्य वहाँ नहीं है। हम लोग का भविष्य आज हम लोग का लिका सोनी सर का पास में है, क्योंकि उसका मैनिफेस्टो ही अलग है, उसका सोच ही अलग है, इसलिए उसका वो सोच को प्रभावित कर होने का कारण हम लोग BJP को छोड़ के आज हम लोग का लिका सोनी सर का साथ यानी कि NCP के साथ हम लोग ज्वाइन हुआ है। और एक सवाल आ जाता है काफ़ी बार जैसे अपडेट्स से लोगों द्वारा कमेंट्स भी लिखे जाते हैं, तो ऐसे भी कुछ कमेंट्स में लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो आसपास के लीडर्स हैं जैसे कि आप ही के ज़िले से जो नामचुम जी हैं जिनको टिकट मिला है तो वो आपके ज़िले के हैं, उनको आप बाहर कह रहे हैं और आप जिनके सपोर्ट में है वो ईटानगर से हैं, तो फिर उन पर आप क्यों भरोसा कर रहे हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लगातार लोग जानना चाह रहे हैं। हाँ, आपने सही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए लीडर अच्छा होना चाहिए, लोकल नॉन लोकल से मतलब नहीं है। हम लोग का जो लेकांग वासी का कॉन्सेप्ट जो है गलत कॉन्सेप्ट में जी रहा है। लीडर कहीं का भी हो लेकांग को प्रोटेक्ट करने वाला लीडर होना चाहिए, लेकांग के लिए आवाज़ उठाने वाला लीडर होना चाहिए, ये नहीं है कि लोकल एंड नॉन लोकल इससे मतलब नहीं है। और हम लोग का ये कोई कोई ये भी सेंस रखता है कि रूलिंग गवर्नमेंट, अरे जो पार्टी जीतेगा वो ना रूलिंग बनेगा। हम लोग का लेकांग में अगर लिका सोनी साहब जीतते हैं, NCP जीतते हैं, NCP रूलिंग बनेगा, तो वो कॉन्सेप्ट को हम लोग को चेंज करने का समय हो गया। और देखिए 30 ईयर्स हम लोग ने उनको दिया, क्या रिजल्ट आया? जब PRC का मांग हुआ कैंडिडेट चेंज हो गया, जब जॉब रिजर्वेशन का मांग हुआ कैंडिडेट चेंज हुआ, पंचायती रिजर्वेशन में हम लोग का जो कल परसों कुछ कुछ लोग ने जो एप्लीकेशन आपसू को डाला उनका अगेंस्ट में आवाज़ उठाया तो कैंडिडेट चेंज हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग को समझना है जो लेकांग के लिए आवाज़ उठा सकेगा, जो हम लोग आदमी लोग ये बोलता है कि निसी आदमी जब आ जाएगा तो हम लोग का लैंड कैप्चर करेगा, ये तो अगर हम लैंड बिकेगा ही नहीं तो कैप्चर कहाँ से करेगा, वो तो गलत कॉन्सेप्ट है। और आज अरुणाचल में अगर बोलने जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में निसी कम्युनिटी आता है, वही एक हम लोग का आशा का किरण है हम लोग का लेकांग का, वही कम्युनिटी ही हम लोग का लेकांग वासी के लिए आवाज़ उठा सकता है, चाहे वो PRC मैटर हो, चाहे वो डोमिशियल मैटर हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मैटर हो। जैसा कि लेकांग में जब भी लोगों से बात होता है PRC का मुद्दा जरूर नजर में आता है, तो क्या आपको लगता है जिन लोगों का जिम्मेदारी है या जिनको इस पर बोलना चाहिए वो लोग चुप्पी साधे रहते हैं, इस टॉपिक पर मुंह बंद करके रखते हैं? मैंने सर जब संगठन में था मैं 2-3 times वो लोग का साथ मैंने PRC मुद्दा में गया है। वहाँ PRC के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है, वहाँ भाषण मारा जाता है। अरे पूरा अच्छा वेल नोइंग है वो लोग कि हम लोग का लेकांग PRC मिलने का हक है कि नहीं, पूरा जानता है। आज PRC के लिए जिस दिन हम लोग यूनियन ने गया है, हम लोग ने तो डायरेक्ट सवाल किया, सर हम लोग को आपको अलग से पूछने के लिए जवाब, आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देने जरूरी नहीं है, हम लोग PRC का हकदार है, आप जानता है। आप PRC का मैटर को आप कितना आगे तक ले जाएगा, हम लोग को क्या ऐसे ही पेंडुलम करके रखेगा, या हम लोग का भविष्य को आप कुछ अच्छा एक निर्भर अच्छा एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा? हम लोग यही सवाल पूछने गया था उस दिन, क्योंकि भाषण मारने का काम नहीं है वहाँ। हम लोग जस्ट वहाँ हम लोग का जो सेंटिमेंट है, हम लोग जो जिस हालत में
रह रहा है उस विषय में ना हम लोग बात करना है। लेकिन हम लोग का कुछ लोग को देखा है उस समय में जब हम लोग सीएम सर से जब बात किया था उस समय सीएम सर ने एक बात कहा है लेकांग में 50% आदमी को पीआरसी चाहिए 50% आदमी को पीआरसी नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स खेलना है। तो वो किस में काउंटिंग किसको काउंटिंग में आता है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन भी ये बात बहुत ही मतलब दुख दर्द वाला बात है, बहुत ही सेंटिमेंट वाला बात है। इसीलिए हम लोग मतलब पीआरसी को हम लोग वो करता है। आपको पूरा भरोसा है आप जिनके साथ में और जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको पीआरसी मिलने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर पाएंगे? बढ़िया बात, आप बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए एग्जाम्पल एक बोलने जाएगा तो निक कमिंस सर बरदुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी आप 49 जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बना एक वन टर्म, टीआरसी किसको दिया था और किस सोसाइटी ने टीआरसी दिया? निसी सोसाइटी ने टीआरसी दिया, निसी एमएलए ने टीआरसी दिया। तो हम लोग उम्मीद करता है वही काम जो निक कमिंस ने पहले किया था वही काम हम लोग का लिकासोनी साहब भी करने में कैपेसिटी रखता है, गट्स रखता है और हम लोग को पीआरसी या हम लोग का जो लेकांग का जितना भी सेंटीमेंट है जो सिचुएशन है उसको आगे उभर के लेके आएगा बोलते हम लोग का उम्मीद है। आज आपने किस पार्टी से एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया और उसका कारण क्या था? मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर आई हैव ज्वाइन इन बीजेपी पार्टी, तो मुझे तो 5 साल मिला काम करने के लिए। उससे पहले हम एक्चुअली अलग पार्टी में था एंड मोर ओवर आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर एंड सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न आई हैव स्टडी आई हैव सीन अबाउट द लेकांग कंडीशन। सो जितना साल से अभी यहाँ में इलेक्शन हो रहा है कंसेक्यूटिवली 25 साल जो लेकांग वासी ने बीजेपी और कांग्रेस का साथ दिया, तो 25 साल में कभी लेकांग कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या ऑपोजिशन पार्टी का कोई एमएलए नहीं था। हर बार 5 times 6 times द पीपुल आर इलेक्टेड द रूलिंग पार्टी कैंडिडेट। इवन दो 25 साल तक लेकांग का जो समस्या है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो अभी बात ऐसा है जो हम लोग का लास्ट ईयर 2019 में जो इलेक्शन हुआ हम लोग का जो लोकल एमएलए दिया था इसमें बीजेपी पार्टी का ही था और मैडम ने जम्मू मिटे देवरी मैडम ने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया था उसका शासन में उसका कार्यकाल में जो भी डेवलपमेंट किया था। तो मेरा ख्याल से अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि लेकांग में एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो 11 साल में हम लोग का जो एमएलए था कोई उसका मतलब ऐसा खराब रिपुटेशन नहीं था, पार्टी के लिए बहुत अच्छा से काम किया था और लेकांग को बहुत डेवलप किया था। तब भी वो मैडम को टिकट नहीं देने का वजह से हम लोग का जो लेकांग बासी है सब लोग सेंटिमेंट हुआ है, क्योंकि लेकांग बासी जो है पूरा ये आपका बीजेपी पार्टी का आदमी था, फुल सपोर्ट था और अच्छा मेजोरिटी वोट लेके हर बार वो रूलिंग गवर्नमेंट को जिताता है। लेकिन इस बार क्या क्या है मेरा ख्याल से ये मेरा अपना एक व्यू है और हम लेकांग बासी को मतलब बोलने के लिए जा रहा हूँ कि ये जिसने टिकट दिया था 2019 में जमुम इटे देवरी मैडम को बीजेपी का उसका मेरा ख्याल से एक प्री प्लान था कि ओनली दिस टिकट और द चांस इज गिवन ओनली फॉर 5 years आफ्टर 5 years आई विल टेक इट अगेन, ऐसा एक प्री प्लान था। क्यों जिस जैसा मतलब जमू मिटे मैडम ने लेकांग में डेवलप किया था वो डेवलपमेंट को नहीं चाहता था और ये भी प्लानिंग था अगर इस बार फिर जम्मू मिटे देवरी को बीजेपी का टिकट दिया जाएगा तो और 5 साल में ना जम्मू मिटे देवरी को हिलाने नहीं सकेगा लेकांग से।
वो एक मतलब सरियन था। तो इसीलिए हम लोग का अंडरस्टैंडिंग में ये आ रहा है लेकांगा पीपुल को कि मतलब उसको टिकट नहीं दे के फिर हम लोग लेकांग को दबाव रखना चाहिए ताकि हम लोग जो कर सके वो मानना है लेकांग को। तो इसीलिए आज लेकांगा पीपुल जो है ना बहुत सेंटिमेंट तो होके आपका एनसीपी में ज्वाइन कर रहा है, ये एक मतलब कारण है। और ऐसा नहीं है कि लेकांगा पीपुल जो है ना एक्चुअली वी आर वेरी लव एंड एस्पेक्ट ए गुड गवर्नेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी साहब को हम लोग, पेमा खांडू सीएम साहब को हम लोग खराब नहीं मानते, पार्टी को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करते, लेकिन टिकट का जो डिसीजन दिया उसी से हम लोग मतलब अगेंस्ट होना पड़ा। लेकिन अभी भी हम लोग का ऐसा लगता है कि अभी हम लोग कोई ऐसा नहीं बोलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। आप लोग को मालूम है जो इंडिया 10 साल में 10 रैंक में जो था वो नरेंद्र मोदी ने 5 रैंक में जीडीपी का इंडिया को पोजीशन में लाया है। और भी बहुत डेवलपमेंट क्या हुआ है ये सब लोग को मालूम है जो अपना मतलब कॉन्टेक्ट में रहता है। तो हम लोग का मेन जो मुद्दा है, हम लोग का जो फेवराइट कैंडिडेट है जो पेजन 11 साल में जो एमएलए था उसको टिकट नहीं देने का कारण से लेकांगा पीपुल जो है ना सेंटिमेंट होके एनसीपी में सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग का जो एनसीपी कैंडिडेट है सही में ये बहुत बोल्ड आदमी है। एक का हम लोग को ऐसा लग रहा है ये यस रियली ही इज ए वेरी पावरफुल पीपल एंड ही कैन डू द प्रॉब्लम्स व्हिच इज फेस्ड बाय द लेकांग पीपुल, ही कैन सॉल्व इट। एंड फॉर दिस रेस्पेक्ट, फॉर दिस होप, वी आर सपोर्टिंग मिस्टर लेखा सोनी एनसीपी कैंडिडेट। थैंक यू। आप किस पार्टी से आए हैं और आपने क्यों एनसीपी को ज्वाइन किया? नमस्कार, जहाँ से आप आए हैं। सबसे पहले नमस्कार, हम पहले बीजेपी में था, पिछले 5 साल हम बीजेपी में था और बीजेपी में हम बहुत काम भी किया है। बहुत मतलब हम लोग का जितना यंग जनरेशन का हम लोग एक साथ मिलकर बहुत काम किया है। और हम लोग अभी जितना हम लोग ज्वाइन किया है सब लोग हम लोग बीजेपी में था और मैडम का फेवर में था। हम लोग टोटली मैडम का फेवर में हम लोग था और मैडम को हम लोग सपोर्ट किया था। लास्ट टाइम तक टिकट नहीं मिलने तब तक हम लोग मैडम का साथ ही सपोर्ट में था। और हम लोग का बात ये बीजेपी का रूलिंग सरकार कोई भी हम लोग का बात माना ही नहीं, हम लोग को मतलब बेकार आदमी जैसा सोच लिया। इसलिए हम लोग इनोसेंट है, हम लोग का बहुत मतलब दुख है। इसलिए हम लोग बीजेपी को हम लोग खराब नहीं पाता है, बीजेपी बहुत अच्छा है, तो भी हम लोग लेकांग के लिए सोच रहे हैं अभी। इसलिए लेकांग के लिए जो आदमी हम लोग का काम करेगा और लेकांग का जितना हम लोग का लीडर लोग है वो लोग हम लोग को न्यू जनरेशन को आदमी नहीं समझेगा, हम लोग को हम लोग का साथ आपस में बात नहीं करेगा तो हम लोग का तो कुछ भी होगा ही नहीं। इसलिए अभी जैसा भी देख लो हम लोग का लीडर लोग अपना अपना मर्जी से लेके अपना अपना मर्जी का सबको ये टिकट भी दिला दिया, सब कुछ वो लोग कर लिया। हम लोग को तो कुछ भी हम लोग के लिए रखा ही नहीं वो लोग। इसलिए हम लोग लास्ट ऑप्शन यही सोचा है, हम लोग लेखा सोनी सर का साथ जाएगा और लेखा सोनी को हम लोग जोरदार सपोर्ट करके लेखा सोनी सर को हम लोग जिताएगा। यही मेरा तरफ से, हम कसारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम मानव ज्योति सोनवाल है, मेरा यही है ऑप्शन और कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम में जब कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आमतौर पर लोग ये सवाल करना चाहते हैं, ये जो बदलाव आपने किया है ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है या आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है? अगर ऐसा कोई सवाल आपसे करता है तो क्या जवाब देंगे? हाँ, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, हम लेकांग के लिए सोचा है। हम लेकांग राइस का साइड में है, हम लेकांग का राइस जो भी बोलेगा मेरा यूथ, हम लोग का जनरेशन का यूथ जो सोचेगा वही उसका साथ है। अभी हम लोग का यूथ में हम लोग जो अभी बीच बीच से हम लोग इंडिपेंडेंट में आया है, हम लोग सोच समझ के आया है, ऐसे नहीं आया है अपना बेनिफिट के लिए आया नहीं।
आज तक हम लोग सर से कुछ भी लिया नहीं है आज तक। हम लोग अपना तेल खर्च, अपना बाइक होगा वो भी अपना तरफ से चला के आ रहा है अभी तक। जितना भी जो कुछ किया है अपना मर्जी से आया है और अपना लेकांग के लिए सोच के आया है, लेकांग के हित के लिए आया है, इसलिए हम लेकांग का साथ है। जो आए लेकांग मेरा तरफ से नमस्कार। मैं पहले अपन लोग चेनेल अरुणाचल टुडे और राष्ट्रीय दृष्टि धन्यवाद दी। आम आज बीजेपी एक फैक्शन ग्रुप आम आज एन सी पी जॉइन कर मोर देन 300 एबव आछे आमार मेम्बार और आमार बहुत मेम्बार थाकी गल जॉइन करिबोले। आमार प्रत्येक कम्यूनिटी पर आछे लेकांगर जिमानटा कम्यूनिटी आछे, देउरी आछे, आदि कम्यूनिटी पर आछे और आदिवासी कम्यूनिटी पर आछे, कसारी पर आछे, आहोमर पर आछे और आमार नेपाली सम्प्रदाय पर आछे, जिमान सम्प्रदाय आछे सकलो सम्प्रदाय पर आमार आजि मेम्बार यात आमि बीजेपी पर बीजेपी एरिया ही आमी आमी आज यार एन सी पी पार्टी जॉइन करिछो जोगदान करिछो। आमी आमार एटा लक्ष्य आछे कि आमार एन सी पी कैंडिडेट निखासुनी डांगरियाक आमी जिकाबोले हे लक्ष्य लै पेले आमी आजि बीजेपी पर आहि आमी एन सी पी पार्टी जॉइन करिछो। आरु आमार आजिये जॉइनिंग प्रोग्राम खतम हुआ नाय आरु आमार मेम्बार बिलाक आहि जॉइन करिबो। आमार महिला बिलाक प्राय थाकि गल और कह आ फोन करो प्रोग्राम रखा जा और आम जॉइन कर आशा रखी प्रोग्राम शेष अपनी धरक आम जी कौ आम इतना कब पार आम भोटार्स तो इन तो अनुमान कर भोटार्सो आम जथेष आम एक्सपेक्ट करूँ आम फैक्शन ग्रुप मोर देन 7000 भोटार्स आ और हे 7000 भोटार आम आगर एन सी पी पार्टी आम जोगदान कर आम बहुत विपुल भोट जयलाभ कर आशा रखी। नमस्कार। अरुणाचल टुडे न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मैं तो पहले इंडिपेंडेंट पार्टी में से था, इंडिपेंडेंट पार्टी का एक जीपीएम था। तो मैं बीजेपी पार्टी में जॉइन करके मैं 3 साल हो चुका है। तो मैं बीजेपी पार्टी को ख़राब नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा मोदी सरकार जो है उसको ख़राब नहीं बोलूँगा। जितना सेका है सरकार ने डेवलप किया है। तो मेरे कहने का ये है जो आदमी को हम लोग टिकट के लिए हम लोग बोल रहा था, चिल्ला रहा था, हम लोग का लेकांग बासी जितना भी है हम लोग का 6 कम्युनिटी में से हम लोग टिकट के लिए मांग किया था तो मैडम को टिकट नहीं मिला। तो हम लोग देखा है हम लोग के लिए लीडर हम लोग किसको बनाएगा। तो हम लोग 6 कम्युनिटी में से हम लोग हमारा बीच हमारे सनी सार जी को हम लोग हमारा लेकांग के लिए लीडर बनाएगा और हमारे जितना भी दुख दर्द और समस्या है उसको समाधान करेगा बोल के हम लोग सोनी सार को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाब में हम लोग सपोर्ट एनसीपी कैंडिडेट के रूप में हम लोग सपोर्ट करेगा बोल के हम लोग सहमत किया है। एनसीपी ज्वाइन करने का क्या कारण है और उसके साथ के साथ आपने ज्वाइन किया? अच्छा, धन्यवाद। अरुणाचल टुडे एंड राष्ट्रीय दृष्टि आपको धन्यवाद करते वेलकम करता हूँ।
जो सवाल करते हैं इज वेरी जेन्युइन। मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट लाइफ पर मैं सामाजिक काम जड़ित मैं स्कूल लाइफ मैं संगठन आसो छात्र संथा आसो कलेज मैं छात्र संथा आसो और जैसे कलेज पास हलो मैं पॉलिटिकल विंग्स इनवॉल्व हो गलो जने के कांग्रेस एन एस आई आसो स्टेट लेवल आसो अरुणाचल कांग्रेस हल तार जॉइंट सेक्रेटरी आसो और बीजेपी सरकार हल ताते कांग्रेस जी माइनॉरिटी माइनॉरिटी सेल ऑल इंडिया और मैं स्टेट लेवल मैं आसो प्रेसिडेंट आसो तार पास बीजेपी मुख दी अरुणाचल कि स्टेट लेवल मैं काउंसिल काउंसिल कि स्टेट काउंसिलर स्टेट काउंसिलर तार पिछते मैं जीतु निकी सामाजिक समस्या जड़ित मानु मैं सदा समाज समाज कथा पातु आज पार्टी भर भी कथा पातु मंत्री भी कथा पातु प्रथम मोर उद्देश्य हल लक्ष्य हल जे समाज जी समस्या जिनके मानु हिसाब से कन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट हिसाब से जी आम सुविधा पा लगे सीट राइजे पा लगे मानु पा लगे एज ए भारतीय नागरिक हिसाब से हेतु जीत दिया ना सदा मैं सीट उत्पाद उत्थपन करूँ ठीक तैनक मैं मानने तैयार मैं प्रार्थी हिसाब से हलो संगठन फल हलो मैं मानने यू इंटरेक्शन कर मेमोरियम दी थको और आम डिस्काशन करता हल कि जी निकी मैं पटके बीजेपिर बेसिक मैं जो बस एडिल बीजेपी समस्या पड़ पे यार तहतक मैं लग पाई पाँच बस तो मैं इने थको पाँच बस इने थकूँते मैं एखेर कथा शुनी आसो जे लेकांग समस्या जी निकी ज्वलंत समस्या जी एथेनिक प्रब्लेम जी निकी आम अधिकार लै पे तो कान नाते जी को बीजेपी सरकार पचिश बस त्रीस बस नाटक बजी कई कई आम लेकांग ठगाले लेकांग हल इतना इनोसेंट पीपल दुखिया निचला राइज एक नजाने गति के आम भाविल पचिश त्रीस बस आम नाटक डिशिशन बनाए बनाए आम सब ठगिले लास्ट तो गई नोटिफिकेशन इश्यू कर दिले लेकांगर जी पर्यटन समस्या कने मानने एसेम्बली हम केबिनेट प्लेस हम नारे गति के लिए मैं चुपचाप बहिलो एखेर आवाज़ तो शुनिल कई बस आगरपर जे लिखा शुनी निचना मानु एज देखी शुनीस लेकांगर समस्या तो तक बोल्डलि कब पारे आज लेकांगर समस्या तो मैं सल्व कर और तैनक आम विश्वास हल क्या लेकांगर समस्या तो एजन निचि मानु सल्व करें जनेक गवर्नमेंटर रूल मते जॉइंट हाईपुर कमिटी आम दु तीन बनाले फार्ष्ट बनाए ताकम संजय ताकम संजय फुल भल हिसाब से लेकांगक दी प्रेजेन्ट करस्तु तो आको संक्रांत पड़ पे स्टेट गवर्नमेंटे बंद कर दिले मैं यू रिवक कर दिले आम नेमानु बोली तैने मानु अक सेम फ्रम सेम कम्यूनिटी निचि मानु एजने बोल्डलि कब पारे लेकांगर जी ज्वलंत समस्या जी अधिकार मैं सल्व कर पी आर सी प्रब्लेम तो मैं सल्व कर लैंड एलटमेंट पजिशन सार्टिफिकेट मैं दीम ओल्ड एज पेन्शन मैं दीम विधवा पेन्शन मैं दीम बिल्कुल क्या मानुजन मैं देखिल मैं भाविल एबार आम क्या क्षेत्र जॉइन कर आशा कर जी निकी जुबम एटे देउरी जुबम एटे देउरिये जदि देउरी फ्रम देउरी कम्यूनिटी तक बिलंग करें कि पचिश बस तो तहते सोनामीन ककायदे सोनामीन हिसाब से लूट करें आको पाँच बस त्रीस बस हम पे देउरी लेकांगर भूमिपुत्र कि हाटमुठित आसे तहतर इच्छा मत सब कम करे गति के देउरी लेकांगर जी प्रधान समस्या अधिकार तो तहते आवाज को नारे आवाज को नारे तहते मोरलेस तार मुठीते थे गति के भाविल हलो गसमरा हलो लेकांगर पजिशन तो राखी आसे लेकांगर जे एजा भूमिपुत्र आम रिप्रेजेंट कराई जे काम हक न गसमरा हिसाब तक आम खूब भल पाई कितना लास्ट तहतको लै गल तहतर किसान काम कर देखिले अलग पजिटिव वे देखिले किसान डेवलपमेंट देखिले और पी आर सी ममला लै पे जनेक मैं विद्युत भाई कह गल एक बार लै गई सीट तहतर खिलाफ भाविले हम एक बार लै गई और जिके देखे और क्या बोले तहतक टिकेट तो निदिले और तहते टिकेट तो पद योग्य मानु आसे तहते बीजेपी एट मेन कार्यकर्ता आसे कार्यकर्ता हिसाब से एम एल ए आसे और एजन लेडी आसे और लेडी हिसाब से किमान काम करे और तहते सबके हाइस्ट भोट लास्ट टाइम पासी तैनक कूपा ना अरुणाचल रेकर्ड आसे और हिसाब से
তেখেতে আইম এই বছর যেহেতু তেখেতর ক্রিয়া তেখেতর যেহেতু ক্যারেক্টার্স তেখেতর যেহেতু নর্মস যিকেইটা নর্মস লাগে টিকেট পাবলে তেখেতে মোর দেন এনাফ গোটেখিনি উপরতে এটা সবতকে উপর আসলে আজি পপুলেশন ফলের আজি ভোটার্স ফলের তেখেতে হাইস্ট আর তেখেতর কাম কাজ ফলের তেখেতে বহুত কোনো রেকর্ড নাই তথাপিতো মানে জানি বুঝি ইচ্ছাকৃত হিসাবে তেখেতক মানে কিন্তু এদিনলৈকে এদিন আগলৈকে টিকেট ডিসিশন দিয়া এদিন আগলৈকে তেখেতক টিম দিম চিন্তা কৰিব লাগে মই আছোঁ আমি দিম লাষ্টত তেখেতক বিদায় দিলে সেইকাৰণে সেইটো এটা কুৱেশ্যনছ অফ চেণ্টিমেণ্ট আজি আপোনালোকৰ চেনেলেদি মই ক'ব পাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ যে আজি এইবাৰ যিটো 2024 যিটো ইলেকশ্যন হ'ব বিধানসভা ইলেকশ্যন হওক বা এম পি ইলেকশ্যন হওক এটি বিশেষকৈ লেকাঙত তিনিটা ফেক্টৰত বেছ কৰি হ'ব ফাৰ্ষ্ট দ্য মেটাৰ অফ চেণ্টিমেণ্ট মানুহবিলাকৰ চেণ্টিমেণ্ট কৰিলে ছেকেণ্ড দ্য মেটাৰ অফ এইটো কি কয় এইটো এইটো ন্যায় এণ্ড অন্যায় যুঁজখন হ'ব ন্যায় আৰু অন্যায় ভিতৰত হ'ব আৰু চেণ্টিমেণ্ট ওপৰত হ'ব আৰু থাৰ্ডটো মানে ঠিক আছে এইটো তিনিটা ফেচত মানে তিনিটা হেৰিত হ'ব গতিকে এই চেণ্টিমেণ্টটো আজি চেণ্টিমেণ্টেল ভোট কাষ্ট হ'ব আজি আপুনি দেখিছে আজিৰ ভিতৰত 300 এবভ আজি বিজেপিৰ পৰা মানুহে ইয়াত জইন কৰিছে এটা ফেকশ্যন বিজেপিৰ যিটো ফেকশ্যনে নেকি জয় দেউৰী এই ফেভাৰেট কৰিছিলে কিন্তু জয় দেউৰী যোনে ভাল নাপায় সেইকেইটাই মানে কৰি আছে কিন্তু জয় দেউৰীক ভাল পোৱা মানুহ বেছি আছে ইয়াতে আজি যিমানখিনি মানুহ আহিছে আজি জয় দেউৰী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খাৰা হ'ব বিচাৰিছিলে যে আমি আছোঁ আমি টিকেটৰ দিনত ডাজেণ্ট কনচাৰ্ণ টিকেট আমি তোমাক কনচাৰ্ণ সেইকাৰণে আমি আছোঁ তুমি উঠিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তোমাক খাৰা কৰিম এতিয়া আগতে আছিলে 5000 এতিয়া 9000 এবভ মানুহে দিম বুলি কৈছিলে তেতিয়া কি হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ পাৰ্চনেল কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে বা কোনোবাই হাই কামাণ্ডে তেখেতক প্ৰেচাৰাইজ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে টিকেটটো মানে এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লেও তেখেতে হ'বলৈ মানে নিবিচাৰিলে গতিকেলৈ আমি লিখা শুনি চাব কথাটো আমি আগৰ পৰাই মই আপোনাক কৈলোঁ যে শুনি আছিলোঁ এখেতে এজন মানুহ আহিছে আজি নিচি মানুহ হয় সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু তেখেতলোকৰ বিধানসভাত বেছি এম এল এ ছিট আছে আজি তেখেতলোকে কৰিব পৰা কাম একো নাই ইয়াত যিটো ইচ্ছা তেওঁ কৰিব পাৰে আজি বিধানসভাত গতিকেলৈ আমি আশা কৰিছোঁ যোৱাবাৰ তাকাম সঞ্জক মই আনিছিলোঁ যোৱাবাৰ যেন বিজেপি ধোকা দিলে মোক মই অকলে তাকাম সঞ্জক মানে তেখেতে মই অনা নাই তেখেতে নিজে নেকি ক'লে মই আহক গতিকে তাকাম সঞ্জয়কো তাকাম সঞ্জয় 3000 এবভ এক মাহ বিন হৈছিলে তেখেতে আহোঁতে একমাহ বিন আছিলে ইলেকশ্যন কাৰণে তেতিয়া 3000 ভোট পাইছিলে চাওক যিজন মানুহ নেকি ইমান উইদিনে তিনিটা উইকত ইমান ভোট পাইছিলে এখেতেতো 2 বছৰ আগৰ পৰা তেতিয়া চিনিছে মানুহ কেনেকুৱা তেখেতে ৰাইজে বুজি পালে গতিকেলৈ আজি ছেইম কমিউনিটি তেখেতে আহিছে আৰু তেখেতে বোল্ডলি ক'ব পাৰিছে আৰু তাকাম সঞ্জয় মই তেতিয়া মানে বহুতখিনি তেখেতৰ বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰিব তেখেতক হেৰি কৰিলে কিন্তু এখেতক নোৱাৰিব এখেতে আজি আজি গোটেই মানুহখিনি এখেতৰ ওচৰত আছে আৰু এখেতে বোল্ডলি কৰিছে যে লেকামৰ প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰিম সেইকাৰণে মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়নটো মই ভাবিছোঁ যে মই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ কিবা নহয় কিবা এটা স্বচ্ছাই আছে এখেতৰ কথাত এখেতৰ অন্তত কিবা এটা স্বচ্ছাই আছে সেই স্বচ্ছাটো মই দেখিছোঁ গতিকে এজন এনেকুৱা এজন মানুহক মই ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু গোটেই ৰাইজক লৈ যাব লাগিব গতিকেলৈ এই লেকামৰ প্ৰব্লেমটো এখেতে বাহিৰে আৰু কোনো কৰিব পৰা নাই আৰু নিচি মানুহেই পাৰিব নিচি মানুহে ইজ দ্য হাইষ্ট পপুলেশ্যন ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বিধানসভাতো নিচি মানুহে বেছি আছে তেওঁলোকে কৰিব নপৰা কাম এটাও নাই গতিকে যদি আমি এখেতক ছাপোৰ্ট কৰোঁ লিখা চাক ছাপোৰ্ট কৰোঁ এইফালে আৰু আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া লেকাঙৰ যিমানখিনি ইয়াত মানুহ আছে যিবিলাক নেকি চন অফ দ্য চইল এইবোৰ মানুহ বাহিৰৰ নহয় এইবোৰ মানুহ ইয়াৰে হয় যেতিয়া পৰা এইটো নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেকৰ পৰা ইয়াৰ আছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি হ'ল আৰু অৰুণাচল ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ল ষ্টেট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এই মানুহখিনি আছে তেতিয়াৰ পৰা এই মানুহখিনি যিমানখিনি অৰুণাচল কেম ইন টু ভেৰিয়াছ পলিটিকেল ছেটআপ এভৰি ইন ছেটআপ দিছ পিপুলছ ৱাৰ টেকেন ইন টু একাউণ্ট পপুলেশ্যন নাম্বাৰ লৈছিলে কিন্তু ৱাইল গিভিং বেনিফিট দে আৰ নো বডি এইটো আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ এতিয়া ৰাইজে চবে গোটেইবিলাকে জাগৰণ হ'ল গোটেই জাগৃত হ'ল আৰু এতিয়া আপুনি সুধিবলৈ আগৰ লেকাং মানুহ নহয় এতিয়া লেকাং মানুহবিলাক এতিয়া জাগৃত আগতে মদ পানী খাই বা টকা পইচা বা খৰিব পাৰিছিলে এবাৰ নোৱাৰে এবাৰ লেকাং নোৱাৰে টকা দিব টকা ল'ব নষ্ট কৰিব কেলে তেওঁলোকৰ এটা মনত সোমাই গ'ল এইটো 25 বছৰ 26 বছৰ লেকাঙৰ মানুহ লেকাঙৰ টকা হয় লেকাঙৰ টকাখিনি যদি কোনোবাই সোণামিনী দিয়ে বা সজনাই দিয়ে বা বিজেপিয়ে দিয়ে আমি লৈ ল'ম কিন্তু আমি ভোট নিদিওঁ কেলে পাম নালাগে এটা লেকাঙৰ টকা হয় 25 বছৰ 26 বছৰ 30 বছৰ লেকাঙৰ টকাকে আমাক দিছে আমি লৈ লওঁ আমি এছ কৰিম আমি ভোট নিদিওঁ এইটো আজি মানুহৰ মাইণ্ডত সোমাই গ'ল গতিকে আমাৰ মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু এনেই গৈছে তেওঁলোকক টকা খাবলৈ গৈছে এই তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমাৰ বহুত ভোট কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো ৰং কনচেপশ্যন
এটা আমি কৈ দিছোঁ। গতিকে লৈ আমি এলাউ কৰিছোঁ তোমালোকে যোৱা, লাগিলে গাড়ী ভাড়া দিম যোৱা হাঁ। গতিকে লৈ এইটোৱে আমি এতিয়া এইটো ফেক্টৰত পাছ হ'ব, মেটাৰ অফ চেণ্টিমেণ্ট হ'ল, আৰু এইটো ন্যায় আৰু অন্যায় যুঁজ হ'ব এইটো বস্তু। এইবাৰ প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰ আৰু দিছ ইজ দ্য ফাইনেল হাঁ, মানে এইটো ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব, মই কৈছোঁ ডিচাইডিং ফেক্টৰ অফ লেকাং লাইফ, লেকাঙৰ লাইফটো, লেকাঙৰ জীৱনটো এই ইলেকশ্যনটোৱে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব। তিনিটা ফেক্টৰত মানে এইবাৰ মানুহবিলাকে লাগিব, এটা হ'ল মেটাৰ অফ চেণ্টিমেণ্ট, এটা হ'ল দিছ ইজ দ্য ডিচাইডিং ফেক্টৰ অফ লেকাং পিপুল, আৰু ন্যায় আৰু অন্যায় মাজত। গতিকেলৈ এইটো ন্যায় দিব লাগিব, ন্যায় দিবলৈ এখেতে আহিছে, এখেতে ভ্ৰমণস্বৰূপ হিচাপে ইয়াত খাৰা হৈছে, লেকাঙৰ দুখটো বুটলিবলৈ সেইকাৰণে এখেতৰ লগত গোটেই মানুহ আহিছে, আমি আহিছোঁ, আমি সকলোৱে আহিছোঁ আজি। গতিকেলৈ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, এইখিনিকে কৈ পেলাই মই সামৰিছোঁ।